हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में हमारा हॉस्पिटल है। यहाँ दो हॉस्पिटल हमारे हैं जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं। व्यसन मुक्त भारत और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य हमारा मिशन है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, एक पेशेंट का फोटो बताने वाला हूँ, उसका वीडियो बताने वाला हूँ कि वो पहले कैसा था, मतलब मानसिक बीमारी होती तो होता क्या है और उसके बाद में वो कैसा हो जाता है। क्या होता है कि पहले कुछ साल पहले, मतलब 50 साल पहले ऐसा था कि मानसिक बीमारी को लोग मानसिक बीमारी मानते नहीं थे। अंधश्रद्धाएँ थी, अंधविश्वास था। लोग बोलते थे ये बाहर का क्या हुआ है, भूत पलीत है, किसने करणी किया हुआ है, उसके पीछे कोई भूत पिशाच लगा हुआ है, और उसके लिए उसका बाहर ही इलाज करते थे। उसके आंग में जो कुछ घुसा हुआ है उसको बाहर निकालते थे, उसमें पेशेंट को मारपीट करते थे, मारते थे, उसके आंखों में नींबू डालते थे और बांध के रखते थे। मतलब ऐसा बहुत सारा कुछ करते थे कि जिसके वजह से वो जो भूत पलीत है वो निकल जाएगा उसके बदन में से। एक्चुअली अभी ये साइंस से मालूम हुआ है कि जो पेशेंट एक्साइटेड होता है, वायलेंट होता है, 5-5, 10-10 लोगों को कंट्रोल में नहीं आता, उसका केमिकल लोचा होता है एक्चुअली। और केमिकल लोचा मेरा मतलब कहने का यह है कि केमिकल इम्बैलेंस होता है। डोपामिन जो है, जो एक केमिकल है ब्रेन में, न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी लेवल बहुत हाई हो जाती है। ऐसा एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस है, उसको डोपामिनर्जिक हाइपोथेसिस ऐसा बोलते हैं, कि जिसके वजह से, मतलब ऐसा बोला जाता है कि डोपामिन का एक तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है या डोपामिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, और जिसके वजह से वह बहुत हाइपर हो जाता है, जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा बातें करना, गाली गलौज करना, तोड़फोड़ करना, मारपीट करना, उसकी सुना नहीं तो मतलब किसके भी आंग पे जाना, या ऐसा कुछ मतलब किसके ऊपर शक करना, नींद नहीं आना, ऐसा काफ़ी सारा हो जाता है, और फिर उसमें पेशेंट कंट्रोल नहीं होता, लोग परेशान हो जाते हैं। अभी मैं आपको जो पेशेंट बताने वाला हूँ, ये देखिए वो पेशेंट। अभी ये पेशेंट लोगों ने बांध के लाया। इसके पहले इनका, ये पेशेंट का इलाज काफ़ी जगह किया हुआ है, उसको शॉक ट्रीटमेंट दिया हुआ है, उसको दवाई दी मगर ठीक नहीं हुआ। यह हमारे यहाँ जब लाया तो उसके घर के लोग बहुत तंग आ गए थे कि अभी इसको कंट्रोल कैसे करना। उसको हमने उसका मतलब इलाज किया, काफ़ी सारी दवाइयाँ दिया। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बाहर का किया हुआ है, भूत घुसा हुआ है, या बाहर का कोई मतलब विचक्राफ्ट है, या पिशाच है घुसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो लोग मानते रहते, बोलते बाहर का करने का है, मगर हमने उसको दवाई दिया, गोलियां दिया, इंजेक्शन दिए, और 2 दिन में ही वो काफ़ी क्वाइट हो गया। मतलब देखो, अभी ऐसा है कि जो डोपामिन को कम करने वाली या डोपामिन के अगेंस्ट जो काम करती है, वो दवाई देने के बाद में कितने कम समय में पेशेंट अच्छा हो जाता है। इसका मतलब वो जो बताया गया है कि डोपामिनर्जिक हाइपोथेसिस, जो डोपामिन हाइपोथेसिस, वो कितना सही है एक्चुअली देखा जाए, क्योंकि हम दवाइयाँ वो देते हैं कि जिससे डोपामिन की लेवल कम हो जाएगी या उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी और पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बहुत वायलेंट लोग आते हैं, 10-10 लोगों से निपटे नहीं जाते, ऐसे लोग हमारे यहाँ लाते हैं, और फिर उनको जस्ट हम इंजेक्शन देते हैं, 1 या 2 इंजेक्शन, और उससे पेशेंट काफ़ी सारा क्वाइट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। अब देखिए वही पेशेंट का भी मैं आपको पिक्चर बताता हूँ, वही पेशेंट अभी हमारे यहाँ एडमिट भी है और वो अभी कितना अच्छा हुआ है, देखिए ज़रा इसको। आपने देखा कितना शांत और कितना अच्छा पेशेंट बैठा हुआ है, और वो भी खाता है, पीता है। अब उसको दवाई देने की ज़रूरत है, कम से कम 1 साल भर तक, कम से कम इसको दवाई देना ज़रूरी है, ताकि वो जो केमिकल लोचा है, जो केमिकल इम्बैलेंस है, वो ठीक हो जाएगा। और वो इम्बैलेंस ठीक होता है तो उसका जीवन, वो ठीक तरह से उसका जीवन जी सकेगा। होता क्या है कि लोग अड़ानी है, लोग फिर बाहर के बहका देते हैं, लोग मतलब ऐसा आलसी भी बहुत है कि ठीक है अभी जान दो, कौन जाएगा, कौन दवाई लेगा, फिर खर्चा करना भी लोगों को जान पे आता है, अभी ठीक हो गया ना, अब क्यों दवाई लेना, ऐसा करके उसको फिर दवा उसकी बंद कर डालते हैं। बंद करने के बाद में वो जो केमिकल इम्बैलेंस है, फिर से केमिकल इम्बैलेंस तैयार हो जाता है, जो पहले था और जो अच्छा हुआ था, और फिर उसको अटैक आता है। तो मेरा सबसे ये कहना है कि जब आप दवाई लेते हो तो उनको दवाई कम से कम 1 साल तक, अर्थात वो जो बीमारी है वो देख के दवाई देना जरूरी है, ताकि जो वायलेंस है और वायलेंट बिहेवियर है, साइकोटिक बिहेवियर है, ये एकदम ठीक हो जाएगा
और पेशेंट अच्छा उसका जीवन जी सकेगा। सो ये काफ़ी परेशानियाँ लोगों में होंगी। मैं तो बोलता हूँ मेंटल हॉस्पिटल्स में कितने सारे ऐसे पेशेंट होंगे कि जो एडमिटेड है, जिनको लोग घर ले जाना नहीं चाहते, ऐसे काफ़ी सारे लोग तो हमारे जेलों में बंद हैं कि जिन्होंने लोगों के ऊपर अटैक किया था, वायलेंट अटैक, शक था उनको, मगर उन्होंने मतलब उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर इसलिए पुलिस कंप्लेंट हो गई कि इन्होंने मतलब लोगों के ऊपर अटैक किया, लोगों को मारा। मतलब एक्चुअली अब देखा जाए हो सकता है कि उनको कुछ मानसिक बीमारी होंगी, मगर यदि जेल में जितने भी लोग बंदी हैं ना, उनका यदि मतलब साइकेट्रिक उनका असेसमेंट किया जाए, काफ़ी सारे उसमें से ऐसे लोग निकलेंगे कि जो बीमारी की वजह से वायलेंट हो गए थे, बीमारी की वजह से, या शक था इसलिए लोगों ने लोगों के ऊपर अटैक किया, शक था इसलिए उन लोगों को मारा, मगर उनके ऊपर केस दर्ज की गई, उनको शिक्षा हो गई, मगर एक्चुअली वो मानसिक रुग्ण नहीं थे। जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे, आप जरूर ये वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि लोगों में ये एक विचार आ जाएगा कि नहीं, इस तरह की मानसिक बीमारी होती है और वो अच्छा हो सकता है पेशेंट। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। सब्सक्राइब करने के बाद में वहाँ एक घंटी आएगी, उसके ऊपर भी प्रेस करो ताकि मेरी काफ़ी सारी वीडियो जो मैं डालते रहता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएंगी। आपको जो भी और कोई वीडियो चाहते होंगे आप, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में या आपके सजेशन बॉक्स में आप डालो कि आपको कौन सा वीडियो इसके बाद में चाहिए, मैं जरूर वो वीडियो पब्लिश करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।